अरविंद केजरीवाल जब बाहर रहते हैं, जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहते हैं, रोज घूमते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, अपने राजमहल में बैठ के, तब भी वो लूट करते हैं। तब शराब घोटाले की लूट होती है, तब डीटीसी घोटाला होता है, तब क्लासरूम घोटाला होता है, और जब ये आदमी जेल के अंदर है तब भी इसने पीठ पीछे से दिल्ली के गरीबों के पीठ में छुरा भोंका है। आज पीपीएसी के नाम पे, पेंशन सरचार्ज के नाम पे दिल्ली के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के बिल में बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। यही वादा था बिजली हाफ का, यही वादा था कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं गरीबों को। ये देखिए हमारे गरीब गरीब लोग हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए हैं, और हम आज हमारा प्रोटेस्ट दिल्ली के हर इलाके में जहाँ जहाँ इन बिजली कंपनियों का ऑफिस है वहाँ है। चेतावनी है, ये संभल जाए, वरना दिल्ली की जनता ना तो बिजली कंपनियों को माफ करने वाली है और ना ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार। केजरीवाल जो दिल्ली की जनता को मार रहे हैं उसकी चिंता संजय सिंह को नहीं है, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। केजरीवाल जिस जेल में है उस जेल की व्यवस्था केजरीवाल सरकार की है, अगर इसके बाद भी जेल में उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो सवाल संजय सिंह पर उठेगा, सवाल आतिशी पे उठेगा, सवाल सौरभ भारद्वाज पे उठेगा, सवाल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पे उठेगा कि क्या वो लोग कहीं अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रहे हैं कि अपने ही जेल में अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसा झूठ बोलने की जगह आप दिल्ली की जनता मर रही है। यहाँ पे आपके सामने एक बहन आके चित्कार कर रही है, सैकड़ों लोग दिल्ली में अपने अपने बिल लेकर जाएं कहाँ? तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडी है कि पहले वो लूट करेंगे फिर झूठ बोलेंगे। अब तो ना झूठ चलेगा ना लूट चलेगा, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। ऐसे झूठों को लुटेरों को हम भगाएंगे भी और दिल्ली की जनता के साथ न्याय भी करेंगे।